Hello young Toms, I am your trainer Pooja. Today we will start a new chapter of our book Grammar Glitter Odyssey of Grade 5 by Brain Road. It's a product of Amit Publication House. So friends, today we will start our new chapter, that is kinds of adjective. That is kinds of adjective. Kinds of adjective. क्या होता है adjective? हम आज पढ़ेंगे इस chapter में retract. Adjective are words that describe, identify or further define a noun or pronoun. हम noun और pronoun को define करने के लिए कुछ words को add करते हैं sentence में, और जो वो words एड करते हैं उन्हें हम बोलते हैं एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स उनको कहते हैं फ्रेंड्स. और वो कौन से होते हैं? ही इज वेरी स्मार्ट, शी इज वेरी स्मार्ट गर्ल, ही इज वेरी नॉटी बॉय एंड शी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल. Look at the tall boy. तो जो यहाँ पे boy और girl को describe करने के लिए beautiful, clever, naughty, tall, young, all these words are called adjectives. उनको हमने further define करा है, noun और pronoun को further define करा है. He is very intelligent boy, he is very smart boy, very intelligent boy. तो ये क्या है? Smart, intelligent, all those words are called adjectives. Adjectives are used with a noun to describe or point out the person. किसी person को आपने किस कह के point out करा, किसी animal को. Delhi is a very big city. और big यहाँ पे क्या है? Big यहाँ पे adjective है. So place or thing which the noun names or to tell the number of quantity. या फिर किसी quantity के, किसी चीज की quantity के बारे में बताया, तो further मैं भी आपको explain करूंगी. तो इसे हम adjective बोलते हैं. Kinds of adjective. अब adjective के बहुत सारे kind होते हैं. किसी में हम विशेषता बताते हैं, किसी में हम quantity या फिर number बताते हैं, किसी तो अलग अलग तरीके के एडजेक्टिव होते हैं. सबसे पहला है आपका फ्रेंड एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, जिसमें हम किसी की विशेषता बताते हैं. वो कैसा है? वो सुंदर है, शैतान है, बुरा है. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. मैं 4 दिन के लिए दिल्ली गया. तो 4 दिन यहाँ पे दिल्ली गया, और कितने दिन के लिए? 4 दिन. तो यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, उसकी हाइट 5, उस लड़के की हाइट 5 फीट है. तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. मैंने आज थोड़ा सा दूध पिया. थोड़ा तो मिल्क इज नाउन एंड लिटिल इज द एडजेक्टिव. तो यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स. थर्ड वन इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स. देन डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव एंड पोजेसिव. तो ऐसे ही इस चैप्टर में हम इन सब एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले आ जाते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी द एडजेक्ट क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जब हम किसी की कुछ विशेषता, उसके बारे में कुछ बता रहे हैं, चाहे अच्छा बुरा, बट कुछ ना कुछ क्वालिटी है. चलिए अब ही वॉर आ रेड साड़ी. सीधा एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है. शी वॉर आ रेड साड़ी. साड़ी कैसी? वो भी रेड. सो रेड हेयर, द पर्टिकुलर वर्ड रेड हेयर इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. रेशमा हैज सिल्की हेयर. सो कैसे हेयर हैं? सिल्की हैं. तो सी हेयर की क्वालिटी क्या है? सिल्की. तो सिल्की इज क्वालिटी. वी कैन से एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. रूजा हैज लिटिल कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस तो है, पर थोड़ा सा, लिटिल कॉन्फिडेंस है. तो लिटिल इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. वी कैन से है कॉन्फिडेंस, पर कितना? थोड़ा सा.
शी डिड इनफ हार्ड वर्क, हार्ड वर्क करा और कितना करा, इनफ। तो इनफ इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जहां हमें नंबर भी पता चलते हैं। अब पहले था आपका जो है नंबर में दो तरह के होते हैं, चलिए तीन तरह के हमारे नंबर में एडजेक्टिव आएंगे, मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको। न्यूमरल एडजेक्टिव शो हाउ मैनी पर्सन्स और थिंग्स, कितने हैं नंबर में, चाहे फिर वो पर्सन हो चाहे फिर वो थिंग हो, पर वो नंबर्स में कितने हैं। थिंग्स आर मेंट और इन व्हाट ऑर्डर अ पर्सन और थिंग्स स्टैंड्स, या फिर किस ऑर्डर में ये पर्सन्स और थिंग्स लगे होंगे। एग्जाम्पल, देयर आर सेवरल फ्लावर्स ऑन द रोज बश, रोज बश में बहुत सारे फ्लावर्स हैं, सेवरल। सैटरडे इज द लास्ट डे, अब सैटरडे उस ऑर्डर में उस क्रम में लास्ट में आता है। सेकेंड में पढ़ा ना कि इन वॉट ऑर्डर अ पर्सन और थिंग स्टैंड, तो उस ऑर्डर में वो कहाँ स्टैंड कर रहा है, तो सैटरडे जो है लास्ट स्टैंड कर रहा है। देर आर थ्री काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, डेफिनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव, जिसमें हमें पता होगा एक डेफिनाइट नंबर हमको दिया गया है, चाहे वो सेवन है, थ्री है, एट है, टू गर्ल्स, थ्री बॉयज। सो डेफिनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव डिनोट द नंबर वन ट्री, टू गर्ल्स, थ्री बॉयज। दीज आर कॉल्ड कार्डिनल्स एज दे डिनोट हाउ मैनी, यहाँ पे पता चल रहा है कि कितनी है क्वांटिटी या फिर नंबर, एडजेक्टिव जो नंबर है वो कितना है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डेफिनाइट। नेक्स्ट इज द फर्स्ट बुक, सेकंड क्लास, थर्ड गर्ल, दीज आर कॉल्ड ऑर्डिनल्स, ये ऑर्डिनल्स आ जाते हैं क्योंकि ऑर्डिनल नंबर्स में या तो वहां पे वन टू में होगा या फर्स्ट सेकेंड में होगा। वन टू है तो याद रखेंगे उसे कार्डिनल कहते हैं, अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड में है तो उसको ऑर्डिनल कहेंगे। ऑर्डिनल नंबर एडजेक्टिव ऑफ नंबर, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल, हाउ मैनी और थिंग्स इन अ सीरीज। उसके बाद अभी हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर के काइंड्स ही पढ़ रहे हैं। पहले काइंड के टू पार्ट हुए, डेफिनाइट, उसके बाद इनडेफिनाइट, वहां पे पता है और यहाँ पे नहीं पता। अगर पता है फ्रेंड्स तो वन टू थ्री, बट नहीं पता तो सम, ऑल, इनफ, लिटिल, इनडेफिनाइट, सर्टेन, सेवरल, सम, एनी, मैनी, फ्यू, नो एंड ऑल। इसमें से कुछ ना कुछ एडजेक्टिव हम यूज करेंगे। Why? क्योंकि हमें नंबर में नहीं पता। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर में पहला है डेफिनाइट और दूसरा है इनडेफिनाइट। डेफिनाइट में हमारा है न्यूमरल और कार्डिनल, ऑर्डिनल और कार्डिनल सॉरी, और इनडेफिनाइट में हम लोग यूज करते हैं इन एडजेक्टिव्स को। देन डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटिव में हमारा आ जाता है रेफर टू ईच ऑफ द नंबर, ईच स्टूडेंट मस्ट टेक हिज ट्रूथ, ईच, आइदर, एवरी वन, यस एवरी वन, आवर कंट्री एक्सपेक्ट एवरी वन, आवर कंट्री एक्सपेक्ट एवरी वन टू डू द बेस्ट, आइदर पेज विल डू, नाइदर, आइदर, ईच। तो ये हमारे कुछ टाइप्स हैं एडजेक्टिव के। उसके बाद आता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव, उसके बाद आता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स दैट आर यूज टू पॉइंट ऑन सम पर्सन, किसी पर्टिकुलर पर्सन को आप पॉइंट आउट कर रहे हो या डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो उसके लिए, जैसे कि दिस गर्ल इज वेरी प्रिटी, ये बहुत सुंदर गर्ल है। दीज ट्रीज हैव फ्रूट्स, This garden is very green. Those stars are shining. That bag is very nice. तो आप those umbrellas are of very bright colors.
तो इनको आप क्या कर रहे हो, किसी चीज को पर्टिकुलरली किसी चीज के बारे में डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. एडजेक्टिव दैट आर यूज टू पॉइंट आउट सम पर्सन थिंग और कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. देन इंटेरोगेटिव, वॉट विच हमने पढ़ा था इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, सेम है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स. वॉट विच हु हूज एडजेक्टिव दैट आर यूज विद द नाउन आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. नाउन के साथ जब हम इन्हें जोड़ देते हैं हूज हूम विच वॉट, तो ये क्या बन जाते हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स. पोजेसिव आई हैव, जो हमारा है, अपनी किसी चीज के बारे में, बिलोंगिंगनेस के बारे में बताएंगे, किसी और की किसी चीज के बारे में बताएंगे जो किसी से बिलोंग करती है, तो आता है पोजेसिव. नाम से ही पता चल रहा है पोजेसिव एडजेक्टिव. आई हैव माई फिश बॉल, बर्ड्स बिल्ड देयर हाउसेस. तो बट नेस्ट, यहाँ पे नेस्ट भी आ सकता है फ्रेंड्स, बर्ड्स बिल्ड देयर हाउस. हम टास्क पे आ जाते हैं फ्रेंड्स. पिक द राइट एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी फ्रॉम द गिवन बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स. हमारे दिए गए इस बॉक्स में से, हमें इस बॉक्स में से फ्रेंड्स, हमें करेक्ट एडजेक्टिव को फाइंड आउट करके ब्लैंक्स में फिल करना है. चलिए स्टार्ट करते हैं. वी डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे सिंस इट वॉज अ डैश डे. जरा ध्यान से पढ़ेंगे, ऊपर कौन सा एडजेक्टिव है, चाबी, नो, पुअर, पुअर डे नहीं आएगा, मैच नहीं, क्राउडेड, हैप्पी, ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल डे है तो वाई हम नहीं, क्यों नहीं जाएंगे, फिर तो जाना होता है, डीप, नॉइजी. बट मुझे यहाँ पे कुछ दिख रहा है, दैट इज रेनी. जब भी रेनी डे होता है तो हमें छुट्टी मिल जाती है, बिकॉज इट्स अ रेनी डे. द वुड कटर वॉज एन, सबने कहानी सुनी है लकड़हारे की, क्या कैसा इंसान था, बहुत ही ऑनेस्ट इंसान था. द वुड कटर वॉज एन ऑनेस्ट मैन. वैभव इज अ डैश चाइल्ड, कैसा चाइल्ड है वैभव, सब बोलते हैं नॉटी चाइल्ड, नॉटी आएगा यहाँ पे. वैभव इज अ नॉटी चाइल्ड. द बेबी हैड डैश चीक्स, सबने पोएम सुनी है चबी चीक्स, कैसे चीक्स हैं, चबी चीक्स. तो ऐसे ही आपको फिल करना है. स्ट्रीट फूड इज कैसा होता है, चलिए ढूंढेंगे ऊपर, चाबी नहीं, पुअर नहीं, क्राउडेड, हैप्पी, ब्यूटिफुल, नो, डीप, नॉइज, अनहेल्दी. कैसा होता है स्ट्रीट फूड, अनहेल्दी होता है चिल्ड्रन, हमारे लिए यहाँ फिल करेंगे अनहेल्दी. मीतू ड्रॉज वेल, शी इज वेरी. मीतू अच्छा ड्रॉ करती है, वो कैसी है, बहुत क्रिएटिव है. रेस्ट आप इसको फिल करेंगे. हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. बी अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी एंड सर्कल द एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. हमें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी को सर्कल करना है और एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स को अंडरलाइन. मनीष गोज टू हिज आर्ट क्लासेस 5 days इन अ वीक. तो यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी बताई है, 5 days इन अ वीक, ठीक है, 5 days इन अ वीक, 5 दिन वो गया है, क्वांटिटी बताई है, और एडजेक्टिव ऑफ नंबर है ये, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है ये, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आता है फ्रेंड्स. आप इसको हम अंडरलाइन नहीं, इसको हम सर्कल करेंगे. बी अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी एंड सर्कल द एडजेक्टिव ऑफ नंबर. हमें क्वांटिटी को
अंडरलाइन करना है और नंबर ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर को सर्कल करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। मनीष गोज टू हिज आर्ट क्लास 5 days इन अ वीक, नंबर बता रहे हैं, तो यहाँ पे 5 days इन अ वीक को हम सर्कल करेंगे। प्लीज गिव मी सम, सम सो इट्स एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, सम नंबर मेंशन नहीं है। द फर्स्ट बॉय वॉन द प्राइज, तो कौन सा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, डेफिनाइट है और ऑर्डिनल है। फर्स्ट सो सर्कल दिस। देयर इज लिटिल एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। देयर आर 12 मंथ्स एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं अपनी। फिलिंग द ब्लैंक्स विद एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। द बेबी इज वेरी, कहाँ पे आ जाएगा, वेरी हैप्पी। क्वांटिटी बताना है कितना, अमाउंट, हाउ मच। आई हैव टू मच, मेरे पास आज करने के लिए बहुत सारा, टू मच। होमवर्क फॉर टूडे। देयर इज लिटिल मिल्क इन द कैटल, लिटिल मिल्क थोड़ा, क्वांटिटी है बस उसमें नंबर डिफाइन नहीं करेंगे, लिटिल। He ate some rice. Do you have enough strawberries to make jam? Filling the blanks with suitable demonstrative adjective. We have horse, we have house by that हिल, डेमोस्ट्रेटिव पॉइंट आउट करना है, दिस दैट दोज दीज। सो यहाँ पे आएगा वी हैव अ हाउस बाय दैट हिल, उस हिल को पॉइंट आउट करते हुए हम कर रहे हैं बार, टी एच इट इज दैट, यहाँ पे हो रही है। इज दिस कैप विद रेड बटन, इज दिस कैप विद रेड बटन, इज दिस। Is this book the one you are looking for? क्या ये वही बुक है जिसको आप देख रहे थे? Is this? Look at that funny cat. Look at that funny cat. Do you think that shoes would fit you? Do you think these shoes would fit you? I don't like those friends of yours. मुझे तुम्हारे वो दोस्त पसंद नहीं हैं। Fill in the blanks with suitable interrogative adjective. Questions, जिसे हम questions बनाते हैं। Which type of cycle do you prefer? किस टाइप की साइकिल तुम्हें प्रिफर करोगे, विद गियर्स और विदाउट गियर्स? Which? At whose house are we celebrating? Or we can say at which house we are we celebrating? किसके हाउस में या किस हाउस में, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, एट विच हाउस। कैन यू टेल मी विच सीट इज माइन, क्या आप मुझे बताएंगे मेरी सीट कौन सी है? वॉट टाइप ऑफ पिज्जा डू यू वॉन्ट, वॉट, what excuse did you make for not going to guitar class? आप क्या excuse देंगे guitar class में ना जाने का, क्या excuse देंगे? What excuse? Which vehicle was involved in the accident? कौन सा vehicle involved था accident में?
फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल पोजेसिव एडजेक्टिव. पोजेसिव पे आ जाते हैं जो बिलोंगिंगनेस शो करता है, मैंने आपको एक्सप्लेन करा. वी लॉस्ट, क्या आएगा? वी लॉस्ट आर वे इन द बिजी मार्केट प्लेस. हमने अपना अपनी राह खो दी इस बिजी मार्केट में. वी लॉस्ट आर वे. These books belongs to me. Can I take my books? She teaches me English. She is my favorite teacher. Or we can say English teacher. Meera forgot her English notebook at home. Meera apni English ki notebook ghar par bhul gayi. The children look like their father. Where do you keep your shoes? Filling the blanks. Fill in the blanks with distributive adjective. Dash of us must play an active role in maintaining cleanliness. All of us. Dash and dash person should be aware what is happening around us. Each and every person. All planet circles around the sun. Every man does his duty. So like this, you have to fill the distributive adjectives. Underline the adjective and identify what kind of they are. Timothy is talented violinist. He is the fifth violinist in his family. Again, Timothy is talented violinist. He is fifth violinist in his family. तो यहाँ पे फिफ्थ आ रहा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर. और कैसे है? आपके डेफिनाइट में ऑर्डिनल आ जाते हैं. माय होम इज इन गुवाहाटी. द ग्रेट रिवर ब्रह्मपुत्र फ्लोज बाय द सिटी. ग्रेट रिवर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आ जाते हैं आपके. ऑन सम डेज आई एम बिजी एज अ बी. On some days, some में क्या आ जाता है? Adjective of quantity में आ जाते हैं. तो ऐसे ही आपको ये fill करने हैं. Thanks for watching.